आज के बाद मैं ताउम्र तारा एहसान मंद रहूंगा। झूठी परंपराओं के अहंकार में मैं अंधा हो गया था, पर तूने आज मारे को एहसास करा दिया कि जब कला और संगीत छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते तो फिर माँ लोग छोरा छोरी में क्यों फर्क करते। बेटा, हो सके तो मारे को माफ कर देना। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था कि बच्ची से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, पर आपकी बदौलत आज मारी बच्ची हमारे साथ है। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। गंगाधर जी, आप जिंदगी भर लड़कियों के गाने के खिलाफ रहे और आज आप ही की बेटी ने आपको इस मंच पर हरा दिया। इससे यही बात साबित होती है कि मेहनत, लगन और तपस्या से लड़के तो क्या, लड़कियां भी अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। बस जरूरत है तो उनके हुनर को आजादी देने की। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तब बच्चे अनजाने में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। अपने हिस्से का आसमान ढूंढने की तलाश में वो घर से निकल जाते हैं और बाहर मिलते हैं उन्हें ऐसे लालची राजकुमार जैसे लोग जो बच्चियों के टैलेंट का फायदा उठाते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर कराते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक मिनट, कहाँ किसके जा रहे हैं? हमें भी मौका दीजिए ना आपका खातिरदारी करने का। हवालात में डाल के ना तसल्ली से तबीयत से बताएंगे कि बच्चों से काम कराना और बच्चों का फायदा उठाना उसका अंजाम क्या होता है। खड़े रहो यहाँ पे चुपचाप, हिले ना तो घुसंड लगाएंगे। मैडम सर, मान गए हम आपको, इस बार भी आप सही और हम गलत, लेकिन सच बताए तो इस बार हमको हारने का दुख नहीं हो रहा है। हमको खुशी इस बात का है कि राधा अपने परिवार से मिल गई, अपने असली माँ बाप से मिल गई। आपने तो हमको सच्चाई दिखाने का बहुत बार कोशिश किया था मैडम सर, लेकिन हम ही इस राजकुमार का सच्चाई नहीं देख पाए। ये सबक हम जिंदगी भर याद रखेंगे मैडम सर। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप हारी नहीं है, हमारे हिसाब से तो सही मायने में ये जीत आप ही की है। राधा की जीत आप ही की जीत हुई ना। इस बच्ची के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें आप पर बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि आप इस थाने की SHO हैं और हम आप जैसे होनहार और काबिल अफसर के साथ ड्यूटी करते हैं। और हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझिए, उनका टैलेंट, उनकी दिलचस्पी, उनके रुझान को समझकर उनका सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है? वजह वही, बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार उन्हें समझ नहीं पाता, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर दुनिया के चपेटे में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से बात करिए, बैठकर उनकी बात सुनिए, उनसे दोस्ती करिए, उनके हुनर को समझिए, परखिए और बढ़ावा दीजिए। अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए। हर बच्चे में काबिलियत होती है अपने हिस्से का आसमान खुद खोजने की, बस जरूरत है तो उन्हें समझने की, सपोर्ट करने की। मैं भी आप सब लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। संतु, जय हिंद मैन। सॉरी, डेली रिपोर्ट का शीट अभी तक सबमिट नहीं हुआ, हमको हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा है। वो मैं मैडम सर का वेट करूँ, एक बार मैडम सर आ जाए तो सिग्नेचर करवा के भेज दूंगी। मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हाँ, लेट तो आप आते हो ना।
जब आएंगी तो साइन करा के सबमिट करवा देना, वरना बदनाम का चाय और इकबाल का बिरयानी खा के पूरा महीना निकालना पड़ेगा, वो भी उधार पर। ये बात सही है, एक ही थाने के दो दो SHO है, मगर एक काम का और दूसरा सिर्फ दिखावे का। वैसे आप भी तो SHO है, आप क्यों नहीं दस्तखत कर देती? नहीं मतलब पुष्पा जी का दिन ही नहीं बनता है जब तक हमको ये ना बता दे कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हम सुबह ही बोल देते कि आपने अभी जो चाय बनाई है ना उसमें से अगर इलायची निकाल दे तो सिर्फ ये गर्म पानी ही है। सच में? और नहीं तो क्या। वाओ मजा आ गया। सास बहू की चिक चिक सुने बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं। ए ये कौन है? क्या नाम? ए चीते। ए चाय बोल ना जी। क्या बोले? चाय 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 बोल। क्या बोले तू? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? हम तुमसे थोड़ा सा प्यार से क्या बताएं? तुम तो कंधा पे चढ़ के कान में गाना गाने लगे यार। चाय पियेंगे, जाओ ऑर्डर दो, सब लोग के लिए चाय बोल दो, खुद के लिए भी बोल देना। चिल ब्रो चिल बोलते हैं, सबके लिए चाय बोलते हैं। हेलो ए बदनाम, ए महिला पुलिस थाने में 5 चाय भेजना। हाँ फटाफट। क्या पैसे पैसे क्या करते रहे? अरे पुष्पा जी के अकाउंट में डाल देना। ए? हमारे अकाउंट में क्यों? और बिल्ले तुमने अपनी जुबान। हेलो ब्लैंक कॉल है पुष्पा जी। अरे ये केबल तो लगा। उफ ये मासूमियत। कितनी बार कहा है संतु अपना फोन ठीक करवा ले। पुष्पा जी बजट पास हो तो ना। हेलो हम कहाँ करें? हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी तुम कहाँ हो, लखनऊ में या दिल्ली में? अरे हम बोल रहे हैं हसीना की अम्मी। ओह हसीना है थाने में, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा पुष्पा जी मैडम सर की अम्मी का फोन है, जरूर मैडम सर के लिए कोई लड़का ढूंढा होगा जो पसंद नहीं है इसलिए फोन नहीं उठा रही मैडम सर। कोई लड़का पसंद नहीं किया हमने, इस कोरोना महामारी में ड्यूटी की वजह से पहले से ही घर में नहीं रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए, और अब कल रात से फोन भी नहीं उठा रही है। अब मैडम सर अभी तक थाने नहीं आई, आएंगी तो मैं फोन करवाती हूँ। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम सर को ना किसी से प्यार हुआ होगा और उनकी अम्मी का बताया लड़का उन्हें पसंद नहीं होगा इसलिए वो भाग गए। मैडम सर एक मिनट बोले, हम बोले बोलो। संतोष जी आप बहुत ज्यादा बोली हैं संतोष जी, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं संतोष जी हम आपको भागने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। भागने के लिए जिगर लगता है और जिगर वो सिर्फ मर्द लेके पैदा होता है। और अरे यार ये फालतू की बात बंद करो। अरे सोचो हसीना मैडम कहाँ गई है सोचो। अरे हसीना मैडम के बाद करिश्मा मैडम इस थाने का क्या करेगी सोचो। देखो हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत ही जरूरी है, ऊंट मत जाना बहुत ही जरूरी है, हाथी को लगना चाहिए कि उससे बड़ा कोई है नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाथी कौन है और ऊंट कौन है? मैं समझाता हूँ, देखो हाथी जो है वो करिश्मा मैडम है और ऊंट जो है वो हसीना मैडम है, इसीलिए हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत जरूरी है नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा, यही तो हम कह रहे हैं, उसमें ना समझने की क्या बात है। अम्मा बिल्लू रहने दो तुम्हारा ये हाथी घोड़ा। आप भी रहने दो, हमको तो लगता है ना हसीना मैडम जो है ना वो करिश्मा मैडम की वजह से थाना छोड़कर चली गई है। कौन 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 सा थाना? ये थाना देखो उस तरफ। और नहीं तो कौन सा? मतलब वहां हसीना मैडम नहीं मिल रही है और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर? अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती है, ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी आप कैसे बोल सकती है? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंटाप मारेंगे ना तुमको सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं हाथी ऊंट। देखो शुरू इसी ने किया था, अब अगर क्या
हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख हमने किया नहीं उठाया, आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी हमारा फोन तो उठा लेंगी, उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जैन सर। जैन, चलिए आप लोगों से बात करनी है। सर वो हसीना मैडम का। जानता हूँ, आइए। यही है वो जगह जहां पर पिछले हफ्ते SHO हसीना मलिक ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हां, SHO हसीना मलिक खुद एक कोरोना वॉरियर बन चुकी हैं। ऐसे ही वॉरियर्स हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये खुद की और अपने परिवारों की जान रिस्क पे डालती हैं। उसके बाद आती है देश की आवाम और फिर कहीं जाके वो शायद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले अपने मास्क को पहन लीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हसीना मलिक, आप एक कोरोना वॉरियर हैं। हसीना मलिक और उनके जैसे वॉरियर्स को सनी चड्डा की तरफ से एक सल्यूट। पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहां चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माता जी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा, डिपार्टमेंट किसी ना किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको, पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला, हमें भेज दिया होता अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना। मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतु जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं, और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप। इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने के SHO होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस SHO की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपकी आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसे अपना टेस्ट ही समझिए। कमाल का बात है, हमेशा से अपने लिए हम SHO का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये SHO का चेयर मिल रहा है तो हमको हमको अजीब सा लग रहा है। इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है, इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी।
हम चलाएंगे सर ये थाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ कर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए। पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही है संतू जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए संतू, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन ही नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना आप। ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, पुष्पा जी, इनके वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इनका करो कुछ। चुप रहो, हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतू, सीक्रेट मीटिंग। आई नो आई एम बिलो द स्पाय। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है। सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए। क्या ये? ओह माय फेवरेट कतरी ना। नहीं मैं इसका बहुत बड़ा फैन। सॉरी। ये लीजिए। इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ़, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर, मतलब इनके तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा मिटल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई जब। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा, फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या? नवाब साहब, पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी, ये देखिए, हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो शादी की, मुबारक, ले लो भाई मिठाई। नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हम नवाब हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे कब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। एक मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है? देखिए आप समझी नहीं भाई, न्यूज में ये आया था
कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा। अरे अब यार देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये थाना है वो आपके अंडर में रहेगा, और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके। हम नवाब हैं, और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए, नवाब साहब आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब आप भी क्या, जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर ये मिल्कियत की मिलने की खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। हाँ हाँ भाई, आप कहें और हम ना पिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 आइए, बाहर 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 आइए 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 आइए। चलिए, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।